हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। यूपी ट्रिपल एससी पैट की तरफ से अच्छी खबर आ रही है आप सभी लोगों के लिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो वेट कर रहे हैं काफी टाइम से मेन एग्जामिनेशन रिजल्ट को लेकर, तो उसको लेकर एक अच्छी आप लोगों के लिए अपडेट है। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं पहली न्यूज यानी कि यूपी टेट के नोटिफिकेशन को लेकर कि 2022 का नोटिफिकेशन कब तक आउट हो सकता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा यूपी टेट हमेशा अपना जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई के महीने में आउट करता है। तो जुलाई का महीना चल रहा है, आपका यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है कुछ दिनों के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, बस साइट के ऊपर नोटिफिकेशन अपलोड होने की देरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल सी टेट का जो नोटिफिकेशन है उसको आने के लिए एक दो दिनों का वक्त लगने वाला है। यहाँ पर आप लोग अपडेट देख सकते हैं, सी टेट का जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर आप लोग आज से शुरू हो सकते हैं। सी टेट दिसंबर के लिए आवेदन सीबीएसई ने जल्द जारी कर देगा नोटिफिकेशन। अभी देखो आज का पूरा दिन निकल चुका है, मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को बताया भी था। और आप लोग इस परीक्षा के लिए 1200 रुपये का शुल्क जमा करेंगे, आपकी जो परीक्षा है ऑनलाइन होने वाली है, ठीक है। नोटिफिकेशन अगर आज नहीं आया है ना फुल नोटिफिकेशन, बाकी दिसंबर में आपकी परीक्षा होनी है और नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, दो तीन दिनों के अंदर नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। आज तारीख है 20 और आप लोगों को लगभग 27 तारीख से पहले पहले इसका ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के 26 छात्र जो हैं जो ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं उन लोगों को क्या गलती नहीं करनी है। देखो ऐसा है, 27 तारीख है इसकी लास्ट डेट, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो लास्ट डेट का वेट करते रहते हैं, 20, 22, 23 तारीख को जाएंगे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि आपके जो आप लोगों ने लास्ट डेट में जिन लोगों ने आवेदन किए थे उनके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुए थे, काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी, साइट बहुत स्लो हो गई थी। तो आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आज तारीख है 20 और 20 से 27 के बीच में भी आप लोगों के पास 7 दिनों का वक्त है, तो 7 दिनों के अंदर अंदर जल्दी से फॉर्म को फिल कर दीजिए। मैं तो कहूंगा कि आज ही जाएं, अभी जाएं, फॉर्म को जल्दी से फिल कर दीजिए। यहां पर यू आपकी फीस है पैट के लिए 185 रुपए फीस रहने वाली है जनरल के लिए, और बाकी आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से ऑनलाइन चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को गलती नहीं करनी है, 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, जल्दी से फॉर्म को फिल कर दीजिए। और इसके बाद आप लोगों के लिए लेखपाल की वैकेंसीज भी आउट होने वाली, नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने पैट क्वालिफाई नहीं कर पाया 2021 वाला और लेखपाल भर्ती परीक्षा 31 जुलाई को होने वाली है उसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, आप लोग नई परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं, तो आपके लिए एक फिर से सुनहरा मौका है, जल्दी से पेट का फॉर्म जो है फिल कर दीजिए। अब बात करते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट को लेकर। तो रिजल्ट को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा परेशान है, काफी टाइम से परेशान है कि भैया रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो मैंने आपको 2-3 वीडियोज में बताया रखा है कि आपका जो रिजल्ट है 5 से 7 अगस्त के बीच में आपको फाइनल रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। रिजल्ट से पहले आपको आंसर की भी देखने के लिए मिलेगी, जब आंसर की आपकी आ जाए तो समझ लेना आंसर की आने के लगभग 10 से 12 दिन के अंदर आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो 5 से 7 अगस्त इसका टाइमिंग है और आपको काफी सारी वीएड से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या सारी चीजें हैं, मैं आपको बिल्कुल विद एक्सपीरियंस आपको सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के रिजल्ट को लेकर। देखिए रिजल्ट को लेकर मैंने मॉर्निंग में आपको अपडेट दिया था, यहाँ पर फिर से एक और अपडेट है। 20 दिन गुजर चुके हैं, जारी नहीं हुआ अभी तक परिणाम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाओं को गुजरे हुए लगभग 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं और स्नातक में प्रवेश लेने वाले वे सभी छात्र छात्राएं जो कि थर्ड ईयर में जिन लोगों ने पेपर दिए थे अभी यूजी के, तो वे बहुत ज्यादा परेशान है। तो उनका जो रिजल्ट है वो अभी तक घोषित नहीं हुआ है। माना आपकी जो परीक्षाएं बहुविकल्पीय हुई थी लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी कॉलेजों की तरफ से फीस जमा नहीं की गई, तो मैंने फीस वाली जो वीडियो बना रखी है आप लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की प्लेस में आकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पूरी लिस्ट दे रखी है जिन कॉलेज की फीस जमा नहीं हुई है उनका रिजल्ट नहीं आएगा। आप लोग चाहे पीजी के लास्ट ईयर में हो, यूजी के लास्ट ईयर में हो, आप लोग पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नहीं ले पाएंगे अगर आपकी फीस जमा नहीं हुई है आपकी कॉलेज की, ठीक है। तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं। बीकॉम वोकेशनल की जो परिणाम है वो जारी, किसी भी तरह का परिणाम जारी नहीं किया गया। हालांकि बीकॉम वोकेशनल का परिणाम जो है जारी कर दिया गया, विद्यार्थियों की संख्या बीकॉम वोकेशनल वालों की 1100 है, ठीक है। तो और अभी परिणाम घोषित न होने के पीछे यूएफएम कमेटी की अंतिम रिपोर्ट न मिलना बताया जा रहा है। अभी यूएफएम कमेटी की जो रिपोर्ट है वो नहीं मिली है। यूएफएम कमेटी रिपोर्ट सौंपती है कि काफ़ी सारी कॉलेज के अंदर, काफ़ी सारे सेंटर्स के अंदर नकल वगैरह होती है, तो उनके सेंटर्स डिबार किए जाते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें उनकी रिपोर्ट एक सौंपी जाती है, उसके बाद आपका परिणाम जो है जारी कर दिया जाएगा। हालांकि जो परीक्षा नियंत्रक है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं बहुत जल्दी अनाउंस कर दिए जाएंगे, 7 से 8 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, ऐसा मैंने पता किया है यूनिवर्सिटी में कॉल करके, ठीक है। और इसके बाद भी समय लग सकता है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो, बस थोड़ा वेट कर लीजिए क्योंकि अभी पीजी की जो डेट्स हैं वो भी नहीं आई है, तो परेशान बिल्कुल नहीं, तो ये आपका रिजल्ट बहुत जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर दें या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपकी मैं सभी क्वेरीज को सॉल्व करता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।